इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निमंत्रण भेजा है बेंगलुरु बैठक के लिए। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की तरफ से ये निमंत्रण दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने ये बड़ा दावा किया है। हालांकि राघव चड्ढा ने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता पर कोई चर्चा तभी होगी जब कांग्रेस औपचारिक रूप से दिल्ली अध्यादेश मुद्दे पर अपना रुख साफ रखेगी। आपको बता दें, कांग्रेस ने निमंत्रण बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के लिए भेजा है। पटना की जो बैठक हुई थी उसमें कांग्रेस ने सबके सामने कहा था, संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले वे दिल्ली सरकार, लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ जो ये काला अध्यादेश लाया गया है उसके विरोध में अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। अभी तक घोषणा नहीं हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि घोषणा जल्द होगी और तमाम चीजों पर उसी के बाद फैसला लिया जा सकता है। VK News, राष्ट्र के नाम।